पाखंड पर ध्यान दे। जी न्यूज के एंकर द्वारा अबू धाबी में मंदिर यात्रा की तस्वीरें साझा करने के बाद यूएई की राजकुमारी ने सुधीर चौधरी का उड़ाया मजाक। संयुक्त अरब अमीरात की राजकुमारी हेंड बिंत फैसल अल कासिमी ने सोमवार को विवादास्पद जी न्यूज एंकर द्वारा अबू धाबी में उनकी मंदिर यात्रा की तस्वीरों को साझा करने के बाद सुधीर चौधरी का मजाक उड़ाया। चौधरी को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया के अबू धाबी चैप्टर द्वारा एक गेस्ट स्पीकर के रूप में आमंत्रित किया गया था। अपने मंदिर दर्शन की तस्वीरें साझा करते हुए चौधरी ने ट्वीट किया, सहनशीलता का निर्माण ईंट दर ईंट, अबू धाबी में बीएपीएस श्री स्वामी नारायण मंदिर गया, यूएई में धार्मिक सद्भाव के स्मारक कहे जाने वाले की नींव पर प्रार्थना की और अपने विश्वास की एक ईंट रखी। हैंड जो चौधरी की संयुक्त अरब अमीरात यात्रा का विरोध करती रही है, उन्होंने इस इस्लामोफोब के पाखंड को उजागर करने के लिए ज्यादा देर नहीं लगाई और ट्विटर पर लिखा, मुसलमानों पर खुलेआम नरसंहार शुरू करने के बाद अब वो कैसे सहिष्णुता का उपदेश देता है, इस पाखंड पर ध्यान दे। फिर भी वो एक मुस्लिम देश में आता है जिसने उसे सिखाया कि हम सब एक साथ शांति से रह सकते हैं। हेंड ने चौधरी के लिए हैशटैग तिहारी का इस्तेमाल करते हुए लिखा, हैशटैग तिहारी। जी न्यूज के एंकर को 100 रुपए की उगाही के अपने कथित प्रयासों की वजह से दिल्ली की तिहाड़ जेल में समय बिताना पड़ा था। इस सिलसिले में चौधरी का वीडियो खूब वायरल हुआ था, उसके बाद से ही उनके आलोचक उन्हें तिहारी कहकर उनका मजाक उड़ाते हैं। हेंड ने पहले चौधरी को भारतीय मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ जहर उगलने के लिए एक असहिष्णु आतंकवादी के रूप में संबोधित किया था। यूएई की राजकुमारी ने चौधरी के आमंत्रण को रद्द करने से इनकार करने के लिए आईसीएआई के अबू धाबी चैप्टर के अध्यक्ष नीरज रितोलिया को भी सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा किया था। कई लोगों ने यूएई सरकार से रितोलिया के रोजगार वीजा को समाप्त करने और एक लोकप्रिय इस्लामोफोब को एक इस्लामिक राज्य में आमंत्रित करने के लिए उसे रद्द करने का आग्रह किया था। रितोलिया ने विवाद पर टिप्पणी नहीं करने का फैसला किया है। चौधरी ने भी पूरी तरह से चुप्पी साधने में अपनी भलाई समझी है, क्योंकि वो यूएई रॉयल्टी के एक सदस्य की आलोचना करने का जोखिम नहीं उठा सकता। सोशल मीडिया पर जी न्यूज के एंकर सुधीर चौधरी की अबू धाबी मंदिर यात्रा पर एक यूजर लिखते हैं कि कुछ भी कर ले तेरे पाप नहीं धुलेंगे तिहाड़ी। एक और यूजर सुधीर की तस्वीरों पर कमेंट करते हुए लिखते हैं कि अपने देश की रिलीजियस हार्मनी खराब कर रहा है और वहाँ के रिलीजियस हार्मनी पर ज्ञान दे रहे हो। एक अन्य ट्विटर यूजर मामले पर प्रतिक्रिया देते हैं और लिखते हैं कि जब आप स्टूडियो में बैठे हैं तो भारत में उसी धार्मिक सद्भाव को फैलाने का प्रयास करें सुधीर जी, घर में नफरत का माहौल बनाकर यूएई में टॉलरेंस का ज्ञान दे रहे हैं। एक अन्य ट्विटर यूजर सुधीर की मंदिर यात्रा पर रिएक्शन देते हुए लिखते हैं कि आदमी खुले तौर पर इस्लाम का पालन करने वाले लोगों के नरसंहार का आह्वान करता है, लेकिन यहाँ उसका पाखंड देखे। एक अन्य यूजर सुधीर चौधरी के अबू धाबी मंदिर विजिट की तस्वीर पर कमेंट करते हैं और लिखते हैं कि देख सुधीर, एक मुस्लिम देश की धर्मनिरपेक्षता और तूने अपने ही देश से धर्म का जहर फैला रखा है, धिक्कार है ऐसी पत्रकारिता पर। आपकी क्या राय है इस खबर को देखने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि देश विदेश से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचती रहे।